द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस से सीधे भाजपाई उम्मीदवार बन गए अभिजीत गांगुली। तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए सीएम ममता बनर्जी पर ऐसी टिप्पणी कर गए हैं जो किसी गाली से कम नहीं। उनका वीडियो वायरल हो गया है, वो ममता बनर्जी को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ना जाने ये कैसे जजशिप के दौरान मर्यादित होंगे, सवालों के घेरे में आ गया है। जरा सुन लीजिए कि अभिजीत गांगुली ने क्या कहा है, फिर हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बनर्जी तुम ही कत टाकाय बिक्री हो, तुम ही कत टाकाय बिक्री हो, तो তোমার লাগ 10 লাখ টাকা কেন? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে পুলটিস মারো, সেই জন্য মেকআপ করো, মেকআপ করে বেরো। মমতা ব্যানার্জি মহিলা তো, আমার মনে প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে। তো শুন লিয়া আপনে, यहां पर অভিজিৎ গাঙ্গুলী ने जो बातें कही हैं वो बेहद ही खराब हैं। किसी मुख्यमंत्री और किसी महिला के लिए ऐसी बातें कहना ना सिर्फ अशोभनीय है बल्कि गाली के जैसा है, बहुत बड़ा अपमान है ये। और इसको लेकर टीएमसी ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां सोशल मीडिया पर जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो नेहर हु नाम के ट्विटर हैंडल ने इसे शेयर करते हुए जो लिखा है उनके स्टेटमेंट को ही आप समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने बंगाली में कहा था। इनका कहना था, बीजेपी कैंडिडेट अभिजीत गांगुली इज आस्किंग द प्राइस ऑफ ममता बनर्जी, ही सेज एट व्हाट प्राइस डिड यू सेल योरसेल्फ 10 लाख, वर्स स्टिल ही इज द एक्स जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। इनका कहना यह है कि भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली ने ममता बनर्जी की कीमत पूछा है कि प्राइस कितनी है, कितने में बिके हो, खुद को कितने में बेचे हो, 10 लाख रुपए में लिखा हुआ है। ही सेज एट व्हाट प्राइस डिड यू सेल योरसेल्फ, तुमने खुद को कितने में बेचा है, 10 लाख में। एक महिला के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह बेहद ही अशोभनीय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह व्यक्ति हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर था, न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली, अभिजीत गंगोपाध्याय ये कहलाते थे। और जब पद पर थे तब भी इनकी चिढ़ ममता बनर्जी से थी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ ना जाने इन्होंने कितने जांच के आदेश दिए, कई भर्तियों में इन्होंने स्कैम ढूंढ निकाला, बात बात पर सीबीआई ईडी को मंत्रियों और नेताओं के पीछे दौड़ाया, कितनों की गिरफ्तारी करवा दी और फिर मीडिया में बयान देकर खुद को एकदम पब्लिसिटी मटेरियल बनाकर सामने रख दिया। अब ऐसे में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तभी अटकलें तेज हो गई थी कि ये बीजेपी के संपर्क में थे। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था, अब तो हमें इस जज के तमाम फैसलों पर भी शक है, इसकी रिव्यू होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी। अब ये जज रैलियों में अनाप शनाप बयान देते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज हुआ है। और ये व्यक्ति अब अपनी जान बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए खुद उसी हाईकोर्ट में गुहार लगा रहे हैं जिस हाईकोर्ट में कभी ये जज थे और चौड़े होकर ममता सरकार को परेशान किया करते थे। अब यही अभिजीत गांगुली जब अपने साथी जज के पास याचिका लगाने गए तो साथी जज ने कहा, जस्टिस जय सेन गुप्ता ने कहा कि मैं आपका यह केस नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूं। उन्होंने केस को चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दिया। फिर तीर्थंकर घोष एक न्यायाधीश हैं, उनके पास वह मामला पहुंचा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कभी जज थे अब खुद अदालतों के चक्कर लगा रहे और भाजपाई बनते ही तमाम मर्यादाएं भूल गए, रैलियों में अनाप शनाप बयानबाजी करते दिखाई पड़ने लगे, तो इन पर क्यों नहीं कोई मामला बनना चाहिए। हालांकि टीएमसी उम्मीदवारों ने जमकर इन पर निशाना साधा है, खूब खरी खोटी सुनाई है पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली को। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो यह साफ कर देता है कि इनकी मानसिकता एकदम बीजेपी से ओतप्रोत हो गई है। ये बीजेपी में जाने के लिए शायद पहले से ही बेचैन हुआ करते थे। अब जरा हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको, अमर उजाला की रिपोर्ट है कि इस मामले पर कितना बयानबाजी हुई है, भाजपा वाले कन्नी भी काटने लगे हैं।
कह रहे हैं कि बयानों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई हो। यहाँ लिखा गया है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की ममता बनर्जी पर कथित अभद्र टिप्पणी, भाजपा का पलटवार। कथित क्या, वीडियो में तो साफ दिखाई पड़ता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के तमलुक से भाजपा उम्मीदवार और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की एक वीडियो सामने आने से हंगामा मच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे महिलाओं के अपमान की भाजपा की गारंटी बताकर निंदा की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाए हैं। और यह वीडियो जब वायरल है तो अमर उजाला ने लिखा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन टीएमसी ने इस पर विवाद खड़े किए हैं, बीजेपी को खूब घेरा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर हमला बोल दिया। टीएमसी ने और वर्धमान दुर्गापुर से प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने कहा, मोदी और भाजपा प्रत्याशी गांगुली ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग दीदी के लिए किया है वह तो मैं बोल भी नहीं सकता। इस प्रकार की गारंटी नारी का अपमान केवल मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इन लोगों ने उन्नाव में, हाथरस में और बिल्किस बानो केस सभी के सामने किस प्रकार से कभी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ वाला जो बयान वायरल हुआ था, वो मामला भी खूब चुट पकड़ा था। आज वो कह रहे हैं कि आज उसी बेटी का अपमान हो रहा है। टीएमसी नेताओं ने इसकी निंदा करते हुए चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देने की मांग की। टीएमसी नेता शांतनु ने भी कहा, यह शर्मनाक है, भाजपा उम्मीदवार महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब जरा सोचिए कि अभिजीत गांगुली को तमलुक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, यह वही सीट है जो कभी शुभेंदु अधिकारी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता रहा था। अब वहां से अचानक से जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत हुए तो इन्हें टिकट मिल गया। अब लोगों ने यहां किस तरीके से टिप्पणी की है वो भी देखिए। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस बयान के बाद रोहन भार्गवा ने ट्वीट किया है कि इट्स सो सैड टू सी समवन लिविंग सच अ इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ जज एंड एंड अप टॉकिंग लाइक दिस फॉर पॉलिटिक्स। इनका कहना है कि यह देखकर काफी दुख होता है कि एक व्यक्ति जो इतने इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन में था, जज था, वो जजशिप को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करता है और इस लेवल तक पहुंच जाता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए, वो भी महिला के लिए, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। लोग इसमें खुद यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ये जज थे तो इन्होंने कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई की होगी। एक आमोद नाम के जो ट्विटर यूजर हैं उन्होंने भी कुछ लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कि जज भले रहा है लेकिन इसमें खुद स्वीकार किया है कि बीजेपी से संपर्क किया और यह बीजेपी के लिए काम करता रहा। इससे बड़ा घटिया आदमी क्या हो सकता है जो न्याय के पद पर हो और अन्याय के लिए दूसरे पार्टियों से संपर्क किया हो। ऐसे लोग नरक के अधिकारी हैं। कुल मिलाकर इसमें यही होगा कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करे तब यह अनोखा मामला होगा कि जस्टिस पर भी अब चुनाव आयोग एक्शन लेगा। वैसे तो जस्टिस जब अपने पद पर होते हैं तो चुनाव आयोग हो या सरकार हो सबकी क्लास लगाते हैं, लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने पद की गरिमा गिराते हुए जिस स्तर की बयानबाजी भाषणबाजी की है वो अशोभनीय है और इसके बाद वो चौतरफा घिर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।